साहिब आलम ने, साहिब आलम को तो गुनाह करने की आदत है, साहिब आलम को तो कानून से खेलने की आदत है, साहिब आलम को तो कानून तोड़ने की आदत है। ये वही साहिब आलम है जो कानून तोड़ने के महारथी हैं, ये वही साहिब आलम है जो हिंदुस्तान की जनता को भूखे मारने के आरोपी हैं, ये वही साहिब आलम है जो झूठ बोलते हैं कि मैं चौराहे के बीच में आ जाऊंगा, ये वही साहिब आलम है जो जनता को विकास का मुद्दा दिखाते हैं, ये वही साहिब आलम है जो मुर्ब के निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव से पीछे हटने के लिए दबाव बनाया। अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और संगी हो तो पेंट में नजर आना बहुत जरूरी है। तालियां। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा सनसनीखेज वीडियो सामने आता है सोशल मीडिया पर, जो वायरल होने लगता है, जो इंसानियत और राजनीति की एक जो मर्यादा होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए लेकर के वो शर्मनाक एक ऐसी हरकत जो प्रधानमंत्री मोदी ने की, जी हां, जिसके बारे में मीडिया बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, ना कोई जंतु बात करेगा, ना तंतु बात करेगा, ना कोई मरंतु बात करेगा। मरंतु तो बात कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो अपनी आत्मा बेच चुके हैं, मरंतु नाम के पत्रकार, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन भी जैसे सोया हुआ होगा इस बात पर कि आज प्रधानमंत्री ने ऐसी शर्मनाक हरकत की है, क्योंकि इनको लग रहा है प्रधानमंत्री समेत बहुत सारे नेताओं ने हिमाचल प्रदेश के चुनाव में ऐसी हरकत की है जो वाकई में दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में बुरी तरह से चुनाव हारने वाली है, सरेंडर कर चुके हैं ये लोग। अनुराग जो ठाकुर जो हैं एक सभा में रोते हैं, और दूसरी सभा में आरोप लगाते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के रिश्ते को लेकर के। आज उस स्थिति से बाहर निकले प्रियंका जी, राहुल जी जो यात्रा कर रहे हैं वो भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग के साथ कर रहे हैं, इसलिए शायद आप उस यात्रा में नहीं जुड़ी है, या भाई ने बहन को याद ही नहीं किया है। ऐसा क्या कारण है कि भाई बहन की बन नहीं रही, या उसको यात्रा में चाहते नहीं है? क्या कारण है कि 1.5 महीना हो गया वो वहां कहीं दिखी नहीं, लेकिन जो पोस्टर लगाते थे अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो, जो नारा लगाते थे देश के टुकड़े हो हजार इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनको साथ में यात्रा में लेकर चले हैं, ये कांग्रेस का असली चेहरा दिखाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक ऐसा सनसनीखेज वीडियो सामने आता है सोशल मीडिया पर, जो वायरल होने लगता है, जो इंसानियत और राजनीति की एक जो मर्यादा होती है, एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसको भी लांग जाता है। ऐसा शायद किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने ना किया होगा जो प्रधानमंत्री मोदी ने आज किया। आप भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या गुनाह कर दिया साहिब आलम ने, साहिब आलम को तो गुनाह करने की आदत है, साहिब आलम को तो कानून से खेलने की आदत है, साहिब आलम को तो कानून तोड़ने की आदत है, ये वही साहिब आलम है जो कानून तोड़ने के महारथी हैं, ये वही साहिब आलम है जो हिंदुस्तान की जनता को भूखे मारने के आरोपी हैं, ये वही साहिब आलम है जो झूठ बोलते हैं कि मैं चौराहे के बीच में आ जाऊंगा, ये वही साहिब आलम है जो जनता को विकास का मुद्दा दिखाते हैं, ये वही साहिब आलम है जो मुर्ब के पुल पर अपना जश्न मनाते हैं, ये वही साहिब आलम है जिनके दोस्त को ठेका दिया जाता है, 2 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और केवल वो 6 लाख रुपए खर्च करता है मोरबी के पुल पर। इनसे कोई सवाल ना तो टूटे हुए पुल पर पूछे जाते हैं, न हत्याकांड पर पूछे जाते हैं। लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठाने लगते हैं कि अगर भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी और भी जगह कई त्रासदियां हुई, तो वो कैसे नरसंहार के दोषी हो सकते हैं, अगर मोरबी का गुनहगार बड़ा आदमी नहीं हो सकता? इस पर प्रधानमंत्री अपने दीदे खोल करके कोई बयान नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी का कोई अमित शाह जैसा नेता जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहता है, राष्ट्रभक्तों की मौत पर जरा भी चीख और आहट नहीं बढ़ता, लेकिन हाँ इतना जरूर होता है इस हिंदुस्तान के शर्मनाक लोकतंत्र में, इतना जरूर होता है कि यहां पर जो है सवाल पर सवाल कोई नहीं पूछता, लेकिन इतना जरूर होता है कि यहां प्रधानमंत्री मोदी हमीरपुर के एक बागी विधायक को धमकाते हुए नजर आते हैं। जी हां, श्रीनिवास IYC के अध्यक्ष एक वीडियो डालते हैं, इलेक्शन कमीशन को सीधे लिखते हैं टैग करके एक वीडियो डालते हुए, क्या तुम जिंदा हो? नामांकन वापस लेने की तारीख निकल जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने खुद फोन
लगाकर निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव से पीछे हटने के लिए दबाव बनाया। अगर जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, और संगी हो तो पेंट में नजर आना बहुत जरूरी है। तालियां। इस देश की जो है मजबूरी देखिए दोस्तों, मजबूरी यह है कि पत्रकार कोई आपको सच बताएगा नहीं, न्यायपालिका कोई ऐसा हुक्म देगी नहीं, क्योंकि मोरी पर भी न्यायपालिका चुप पड़ी है। जिस न्यायपालिका ने बड़े बड़े फैसले दिए इस हिंदुस्तान के हक में, इंदिरा गांधी के जमाने के हक में, जब आपातकालीन लगाया गया था, और आज जब बिना घोषित किए आपातकाल लगा दिया गया है कुछ कायर लोगों के द्वारा, जो प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद एक बागी विधायक को धमकाते हैं, फोन करते हैं, ये फोन की बानगी भी तो सुन लीजिए जनाब, तभी तो पता चलेगा भक्तों कि तुम कितने बड़े कायर लोग। नमस्ते जी, मैं कब बोलूंगा जी, कब कौन सुनेगा जी? जी 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 मोदी जी, मैं एक बात कहूं, आके तो मेरा भी है, मेरी मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी, बहुत रोल है जी, नहीं कम नहीं है जी, मेरे लिए तो भगवान का देश है मोदी जी, दो दिन पहले हो जाते। ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों, जनाबे आला का, वली अहद का, मतलब वली अहद क्या होता है मुझे पता नहीं, जिल्ले इलाही का, जिल्ले सुलाही का, जिल्ले दलाली का, अब बहुत कुछ मैं बोल सकता हूं, लेकिन मोदी की आवाज इसमें बहुत क्लियर सुनी जा सकती है। यहां डिस्कशन हो सकता है इस बारे में, यहां पर मीडिया में तूफान आ सकता है। आप देखिए, पाकिस्तान जैसा मुर्दा देश जाग जाता है जब इमरान खान पर गोलियों की बारिश होती है, लेकिन हिंदुस्तान में 150 लोग मोरबी के पुल के टूट जाने से मर जाते हैं, लेकिन एक कायर हिंदुस्तानी हिंदुत्व के नाम पर चूड़ियां पहन करके बैठे रहते हैं, संत खुलासा करते हैं, संत सारी बातें बोलते हैं, इन्होंने हिंदुत्व का 1400 करोड़ रुपया डकार लिया, उसी के बाद इस भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आकार लिया, लेकिन इतना आकार और इतना डर प्रियंका गांधी का, और हिमाचल चुनाव में हार का डर बाकी दिखाता है, बाकी बहुत कुछ कहता है। लेकिन इतनी बात तो समझ में आ गई प्रधानमंत्री मोदी जी कि आप प्रधानमंत्री नहीं हो देश के, किसी प्रधानमंत्री को किसी बागी उम्मीदवार पर दबाव डालते हुए किसी भी देश के प्रधानमंत्री की देखा हो किसी ने तो जरा मुझे बता दे। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये जितने भी भारतीय हिस्ट्री में प्रधानमंत्री पैदा हुए हैं उनका तो जरा बता दे, तुम तो भीख मांग रहे हो एक उससे, और वो तुम्हारा नाम लेके बोल रहा है, मोदी साहब भी नहीं बोला, मोदी मोदी कह के आपसे बात कर रहा है, हमीरपुर का, हिमाचल का ये प्रत्याशी, लानत है तुम पर, सलामत रहो, मेरा तो ये कहना है, जनता भी इसी लायक है, सलामत रहो महंगा सिलेंडर करके, सलामत रहो ईंधन महंगा करके, सलामत रहो महंगाई बधाई में देकर के, सलामत रहो जीएसटी बढ़ाने को लेकर के, सलामत रहो इनकम टैक्स से लोगों का खून चूसने के लिए, क्योंकि रक्तासुर की कभी कहानी चलेगी तो ये जो आज का इतिहास बनेगा कल दुर्गा सप्तशती में आपका नाम अमर हो जाएगा, तो बधाई हो दुर्गा सप्तशती के शब, मतलब दुर्गा सप्तशती में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।